देखिए इसकी क्रंच की आपको आवाज आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको सिखा रही हूँ फ्राइड चिकन KFC स्टाइल से, मज़ेदार जूसी क्रिस्पी, घर में आसानी से तैयार हो जाए, झटपट तैयार हो जाए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और कम खर्च भी है। बाहर से हम लोग इतने महंगे महंगे खाते हैं, तो घर में बनाए आसानी से, तो बच्चों को खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। चले आए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं और आपको बनाने का तरीका बताते हैं। ये इस तरह लंबाई में इसके कट लगाने हैं अंदर तक। ये आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और ये दो चुटकी सफ़ेद मिर्च और ये भी आधी चम्मच मस्टर्ड पाउडर और ये बेकिंग सोडा आधी चम्मच। ये दो चम्मच सिरके के सोया सॉस, ये सफ़ेद सिरका दो चम्मच, तीन डाल दी। ये हमने इसके अंदर पानी डाल लिया, ये अब सारा कुछ इसके अंदर ही डाल देंगे। पानी के अंदर ना डिप करके इसको 2 से 3 घंटे रख लेना इसको, इसी तरह पड़ा रहे, इसको ढाँप के फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, इसी तरह पड़ा रहेगा। जी वीवर्स, इसको पानी में वो मैंने भिगो दिया था, अब ये पानी निकाल दिया, अब इसको दोबारा जो है ना वही मसाले दोबारा लगाएंगे। चिली सॉस ये हमने पहले नहीं लगाया था, ये अभी लगा रहे हैं इसको। ये सफेद सिरका 1 चम्मच, ये सोया सॉस 1 चम्मच, वो जो हमने पहले पानी में भिगो के रखा था वो हमने पानी गिरा दिया है, ये सारी चीज़ें वही लगाई हैं। फिर तो आटे की मदद से जो है अच्छी तरह मिक्स कर, ये हमने मैदा तकरीबन 1 पाव मैदा, ये मैदा है 1 पाव और ये पानी हमें चाहिए होगा थोड़ा सा। ये मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। मैदे में कोई चीज़ शामिल नहीं है, नमक काली मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं, ये इसी तरह इसके अंदर ही होंगे इसको करना। इसकी कोटिंग करनी है,
ये क्रम्स बनाने हैं ना हमने इसके साथ। जितनी अच्छी तरह इनको करेंगे ना, लगाएंगे मैदे में इस तरह, इतने अच्छे इनके क्रम्स बनेंगे। जी मैं आपको ये लगा के ना फिर बताती हूँ अगला स्टेप क्या करना है। ये इनको मैंने लगा लिया है ना सबको, अब इनको झाड़ के इस तरह पानी में यूँ फेंक कर के ये यहाँ रख कर जाए। इनको रख लिया, अब ये मैदा जो है इसके अंदर डाल के थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार होंगे, बहुत अच्छे क्रम्स आएंगे उनके, KFC स्टाइल बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा लोग काली मिर्चें वगैरह और लाल मिर्चें डालते हैं मैदे में, और ये सिर्फ मैदा है और कुछ भी नहीं है, नमक भी नहीं डाला इसके अंदर मैंने। ये देखिए ये जो है हमने निकाल दिया है, तो अब इसको दोबारा जो है इसके अंदर करना है, हमें दोबारा कोटिंग करनी है इसके। ये देखें हमने इसको कोटिंग कर ली है, देखें अभी से इसके क्रम्स नज़र आ रहे हैं, देखें और से आप देखें ना ये अंदर से जूसी होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा कि आप लोग खाते बाहर जाके इतने महंगे महंगे, घर में तैयार करें कम खर्च में जो है अच्छी चीज़ बन जाती है घर की। मैं आपको सारे लगा के फिर एक दफ़ा दिखाती हूँ। हो गए इनको मैंने लगा लिया था, ऑयल भी रख दिया है, अब ये जो है ना ऑयल के अंदर डालना। ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म ना करना, क्योंकि फिर वो ऊपर से चीज़ जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। इनको दरमियानी आँच में जो है ना 6 से 7 मिनट में करना है, 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जी बेबस ये देखिए फ्राइड चिकन हमारा तैयार हो गया, ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ये देखिए इसकी क्रंच की आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, देखिए ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग घर में, दुआओं में याद रखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।